नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। अभी मैं जम्मू के एयरपोर्ट के बाहर हूँ। आपको बता दूं कि जो अकाली दल के एमएलए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जम्मू पहुँचे हैं गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के लोगों को जो है वो यहाँ पर ग्रीट करेंगे, यहाँ पर उनको शुभकामनाएँ देंगे। और साफ तौर पर आपको बताएँ कि एक बहुत बड़ा मौका है। और सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश की। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जम्मू में। साइड दे, ट्रैफिक ना जाओ। स्वागत है आपका जम्मू में। अब जिस तरह से माहौल बन रहा है, अकाली दल से आप जुड़े हैं, एनडीए का एक नाता है उसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं कितनी खुशी महसूस होती है कि अब सरकार बनने जा रही है? ऐसा है, सबको खुशी है। एनडीए की सरकार सिखों के भले के लिए काम करे, ये मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया। चाहे वो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हो, चाहे वो करतारपुर लांगा खोलने की बात हो, ब्लैक लिस्ट खत्म करने की बात हो, 1984 के कातिल सज्जन कुमार जैसों को सजा देने की बात हो, वो सारे काम किए। आगे भी बहुत सारे कश्मीर के और जम्मू के सिखों के ऐसे काम है जो होने बाकी हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे, 1970 का फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो टूटने नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए जिनका जो, मैं इस पे कोई मेरे लेवल की बात नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं करना। सर, 1984 के जब क्लीन चिट देने की बात हुई थी दिल्ली की विधानसभा में, आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने काफी विवाद हुआ था आपके साथ, लेकिन आप आवाज उठा रहे थे, आवाज उठाई थी, बहुत बदतमीज हुई थी उस पे, आप क्या कहेंगे, क्या सियासत के मायने रह गए? देखो, सियासत तो बहुत छोटे, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई सियासत का कद बहुत गिर गया है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है अपने भाइयों की आवाज उठाना, चाहे वो जम्मू कश्मीर के सिख हों, चाहे वो वाराणसी में बैठे सिख हों, चाहे वो अहमदाबाद में बैठे सिख हों। हमने हमेशा सिखों की आवाज, दुनिया भर में बसते सिखों की आवाज को उठाया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है उस आवाज को उठाते रहेंगे। ना हमारी आवाज को कोई पार्टी दबा पाई है, ना कोई दबा पाएगा। राहुल गांधी ने अपना इस्तीफे की जो है वो पेशकश सामने रखी है, लेकिन उनके पार्टी मेंबर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। राहुल गांधी और गांधी परिवार को तो सिखों की बद्दुआ लगी है। गांधी परिवार को अगर कुछ, सबसे कोई, मैं कह सकता बुरे अल्फाज में इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, और खाली किया ही नहीं, करवाने के बाद उनको अपने गले से लगा के रखा। इसलिए ये सिखों की बद्दुआ है, ये उन परिवारों की 1984 के पीड़ितों की बद्दुआ है जो गांधी परिवार को। कांग्रेस ने कहा था कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू एक कांग्रेस के गांधी परिवार के तलवे चाटने वाले आदमी हैं, जो सिखों की सबसे बड़ी कातिल है उसके वो तलवे चाटते हैं, वो नौटंकी करते हैं, उनकी नौटंकी यहीं से साबित होती है। इतने बड़ी बात कहने के बाद आज एक अगर सिख ने अपनी बात कही हो तो सिख कभी अपनी बात से पलटता नहीं, इसी से ये स्पष्ट होता है कि नवजोत सिंह। सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया था जिससे लगता है कि एनडीए के पाले में वोट गिरे, उन्होंने कहा था 1984 हुआ तो क्या कहेंगे, क्या ये नुकसान मिला? वोटों की बात नहीं है ये, इससे मानसिकता समझ में आई कांग्रेस की। कांग्रेस की 30 साल बाद भी यही मानसिकता है, कांग्रेस सिखों के सबसे बड़ी दुश्मन थी, है और रहने वाली है। ये सैम पित्रोदा के इस बयान ने स्पष्ट किया कि सिद्धू को अपनी जबान पर जो है वो काबू रखना चाहिए, इस प्रकार के विवादित बयान नहीं देना चाहिए। ये तो देखो कांग्रेस का इंटरनल मामला, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि सिद्धू ने एक बहुत ही हल्की किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और खास तौर पर 1984 के कातलों का साथ देने वाला सिख नहीं गदार है। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का जिस तरह से विवाद चल रहा है, लगता है कि वहां की जनता को नुकसान होगा? जनता का भला तो कांग्रेस ने पहले भी कोई नहीं किया, सिखों का भी नुकसान किया है, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि सिख लीडरों को किसी भी सूरत में गांधी परिवार का साथ नहीं देना। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या बदलाव आएगा? मोदी लहर का नाम दिया, लेकिन अंडरकरंट ने दिखा दिया कि इस बार भी मोदी लहर है, बदलाव अब किस तरह से आएगा देश की सियासत में? बदलाव तो देखो देश बदलना चाहिए, सियासत नहीं बदलनी चाहिए, देश बदलना चाहिए। एक आम आदमी तक जो रोजगार के साधन है वो पहुँचने चाहिए, एक माइनॉरिटी जो एक कमजोर वर्ग है उस तक आर्थिक तौर पर उसको मजबूत करने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो बदलाव देश में आना चाहिए, सियासत में नहीं। मोदी है तो मुमकिन है,
नहीं, उसने मोदी ने कर दिखाया, इसको आपको एक मानने या ना मानने, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। शुक्रिया हमसे साफ तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा श्री न्यूज के साथ बात करते हुए। आपको मैं बता दूं, ये वही एक नेता है जब दिल्ली की विधानसभा में एक बहुत बड़ा मसला उठा था, और ये मसला ये था कि राजीव गांधी का जिस तरह से उनको भारत रत्न देने की बात थी, उसको वापसी की बात थी, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था। ये एक विषय बना था, मुद्दा बना था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक प्रस्ताव वापस किया था, तो उस समय पहले कहा गया था कि हाँ भारत रत्न वापस लिया जाएगा राजीव गांधी से। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये जो सभी नेता थे अकाली दल के बीजेपी से, इन्होंने जो था वहां पर ये कहा ये चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि 1984 का हवाला दिया गया कि सिख कम्युनिटी के साथ बर्बरता की गई, किस तरह से कत्लेआम किया गया। तब यही वो नेता थे जिन्होंने आवाज उठाई थी, और इनका ये साफ तौर पर उस समय भी कहना था कि पगड़ी तक उछाली गई थी, बहुत ही बदसलूकी की गई थी, और 1984 के दंगे जो थे उससे आहत है सिख कम्युनिटी। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने उस समय आवाज उठाई थी विधानसभा में दिल्ली की, और उस समय दिखाया था कि अगर सिख कम्युनिटी की कोई आवाज बन सकता है तो मनजिंदर सिंह सिरसा ही बन सकते हैं। और भारत रत्न का बहुत बड़ा एक मुद्दा जो राजीव गांधी से वापस लेने की बात थी, और अरविंद केजरीवाल ने उस समय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अचानक प्रस्ताव वापस ले लिया गया, उससे देखा जा रहा था कि सियासत गर्माई। लेकिन बीजेपी और साथ ही साथ अकाली दल का नेतृत्व करने वाले एनडीए के सभी दल जो है वो साथ आए थे, और ये दिखाया था कि हम जो है सिख कम्युनिटी जो है उनके साथ है, आवाज बनेंगे। और साथ ही साथ आज अगर मैं बात करूं तो यहां पर जम्मू में आगमन हुआ है, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव है, शांति और गुरुद्वारे में ये मनाया जा रहा है, समागम है। लेकिन हाँ, यहाँ पर श्री न्यूज से बात करते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।